जब भी अचानक से हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं या हमें मीठा खाने का मन होता है तो हम सोचने लगते हैं कि अरे मार्केट जाना पड़ेगा, फिर मिठाई की दुकान से मीठा लाना पड़ेगा। बट आज से ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि मीठा बनाना मुश्किल नहीं, फटाफट मीठा बन के तैयार हो जाएगा 5 से 10 मिनट में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड से एक बहुत बेहतरीन सी मिठाई। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर के करीब दूध ले लिया है। ये उबला हुआ दूध है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, उबला हुआ है और ठंडा है। मतलब ठंडा मीन्स फ्रिज का नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला ठंडा है। आप चाहें तो कच्चा दूध भी डाल सकते हैं, क्योंकि उबालना तो इसको है ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं दूध गर्म होने लगा है, तो मैं इस पे चूल्हा से इसको चलाती जाऊँगी और जो साइड के उसमें दूध चिपक रहा है उसको भी निकालती जाऊँगी, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो पाए और दूध गाढ़ा हो पाए। अब यहाँ पे मैं मीठे की जगह पे कंडेंस मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच के करीब कंडेंस मिल्क लिया। इससे इस मिठाई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो अभी हम दूध को लो फ्लेम में इसको पकाते रहेंगे जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। और देख सकते हैं कंडेंस मिल्क डालने से इसमें अच्छा सा कलर भी आया हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी, यहाँ पे मैंने दालचीनी लिया हुआ है तो इसको क्रश करके ऐड करूंगी, क्योंकि मेरे पास पाउडर नहीं था। अगर आपके पास पाउडर है तो 1/2 चम्मच इसका पाउडर डाल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी होता है और टेस्टी भी लगता है। अब यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला हुआ है, ये मैंने क्रश करके डाला है। आपके पास पाउडर है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम किनारे किनारे में जो दूध चिपक जाता है ना उसको हटाते रहते हैं, तो दूध हमारा गाढ़ा होता रहता है, मतलब चिपकेगा नहीं और दूध धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा। तो इनको भी अच्छे से इसमें उबाल लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल 1/2 कप के करीब दूध लिया। अब इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच, अब चाहें तो 1 से 1.5 चम्मच, जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना ही वनीला फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, मैंने 1 चम्मच बड़ा सा इसमें यूज़ किया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दूध में जब डालेंगे तो इसके लम्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे दूध अच्छे से गाढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा हम स्पैचुला से इसको किनारे किनारे के साइड से सारा जो दूध चिपका है उसको अच्छे से हटा देंगे ताकि दूध गाढ़ा लगे। अब इसमें जो मैंने दूध का भी कस्टर्ड पाउडर डाल के बनाया है उसको ऐड कर देंगे, जिससे कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और दूध फटाफट गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी हम इसको चलाते जाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे दूध में इसका फ्लेवर आए, कहीं पे इस तली में ये चिपके नहीं। तो देख सकते हैं मैं बीच बीच में इसको चलाती जा रही हूँ और इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। इसमें मैंने दूध को अच्छी तरीके से पकाया है तो दूध का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये अभी पक चुका है, तो ठंडा होने के लिए इसमें बाउल में डाल के रख देंगे फ्रिज में, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ठंडा होगा तो ये गाढ़ा भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब ली हुई है मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिससे ये मलाई बहुत ज़्यादा अच्छे से मीठी हो जाएगी और एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका रहेगा। तो बहुत ही, जब हम इसको लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि पूरी मलाई में मीठा फ्लेवर आए। अब यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब दूध लिया है, 1 चम्मच मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी, ताकि इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस आए। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने व्हाइट वाले ब्रेड ले लिए हैं, अब इसके साइड के कॉर्नर को हम अच्छे से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं ये अच्छी तरीके से इसको कट करके एकदम निकाल दूंगी सारे साइड के पार्ट को। इसी तरीके से हम दूसरा भी कट कर लेंगे, मतलब जितना आप बना रहे हैं उतना क्वांटिटी में आप कट कर लीजिए। तो सारे ब्रेड को इसी तरीके से हम कट करके साइड का पार्ट निकाल देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारा साइड का पार्ट निकाल के ब्रेड को अच्छी तरीके से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 ब्रेड को लेंगे और जो हमने मलाई वाला बैटर तैयार किया है, ये बोल सकते हैं जो मलाई तैयार की है, उसको इसमें अच्छे से ब्रेड में ऊपर स्प्रेड करेंगे। थोड़ा सा मोटी परत ही चढ़ाना, तो जब आप इसको बाइट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो थोड़ी इसकी लेयर मोटी ही रखना, जब हम मलाई ब्रेड में लगाएंगे तो थोड़ा मोटा ही रखना। तो देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से
मोटी सी परत इसमें लगा ली है। अब दूसरा ब्रेड लेंगे और उसमें भी ऊपर ऐसे ही लेयरिंग कर देंगे मलाई की, मतलब थोड़ा मोटा, ये जितना आपको स्वीटनेस चाहिए इसके ब्रेड के अंदर उस हिसाब से आप मोटा या पतला लेयर कर सकते हैं मलाई की। अब दोनों ब्रेड को एक दूसरे में चिपका देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस दोनों को अच्छे से मलाई लगा के चिपका दिया। अब आप चाहें तो टेढ़ा काट सकते हैं जैसे मैंने अभी चक्कूस करके दिखाया, बट इसको मैं अलग ही शेप देना चाहती हूँ तो मैं इसको चार भागों में कट करके दिखा रही हूँ। देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कट करने के बाद अभी मैं इसके एक स्लाइस को लूँगी और जो हमने दूध तैयार किया था उसमें डीप करके अच्छी तरीके से, मतलब डीप कर देंगे ताकि दूध हर जगह पे लग जाए। इनको अच्छे से प्लेट में निकाल के रख लेंगे। आप चाहें तो एकदम जैसे हम किसी स्वीट हाउस में रसमलाई खाते हैं उस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे पत्तल है तो मैंने वो भी तरीका आपको दिखाया है। इस तरीके से हम दूध में डीप करके रखेंगे, फिर जो हमने दूध बनाया हुआ है कस्टर्ड पाउडर का वो इसमें अच्छे से फिल करेंगे ताकि ये दूध अंदर तक इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और जब भी हम ये खाएँ तो हर जगह हमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर मिले। तो इसी तरीके से हम प्लेट में भी ये दूध को डाल देंगे, अच्छे से पूरा ढक देना है, मतलब जो हमने ब्रेड लिया है ना उस ब्रेड को पूरा दूध से ढक देना, कहीं छोड़ना नहीं है ताकि इसमें पूरे ही ब्रेड में अच्छी तरीके से दूध स्प्रेड हो जाए, मतलब फैल जाए। अब थोड़े से इसको डेकोरेट कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट से, जैसे मैंने काजू पिस्ता लिया हुआ है उससे डेकोरेट कर देंगे। तो ये हमारा फटाफट मीठा बनके तैयार है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं तो आप उनके लिए इंस्टेंट बना सकते हैं 10 मिनट में, और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि जो मार्केट में रसमलाई मिलती है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रेसिपी को आप घर में या अपने मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरी ये आज की ब्रेड की रसमलाई की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी या आपने ट्राई किया कि नहीं। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।